पहली चीज ले ली 80 रुपए की, अच्छी लग रही है। पर हम घूमने जा रहे, कोई मस्त सी जगह जा रहे हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा। ये बच्चे कुछ नोट पत्र ले जाइए अपने साथ। बैक टू माई चैनल, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज हम जा रहे हैं सरोजनी। फाइनली मैं करीब 2 साल बाद सरोजनी जा रही हूँ, मतलब मैं इतने साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं सिर्फ अभी तक 2 बार सरोजनी गई हूँ और आज हम जा रहे हैं फाइनली। मैं, अंजलि दीदी और नितेश, नितेश को भी लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि यार हमने कहा कहाँ क्यों कष्ट लेना जब अपने साथ नितेश सोनी है, तो मजाक कर रही हूँ। हम उसकी भी शॉपिंग कराएंगे वही सरोजनी से ही, मेंस सेक्शन में जो होता है सरोजनी का। तो लेट्स सी, मैं तो बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, मुझे पता नहीं काफी चेंज हो गया है शायद सरोजनी, और मैंने सरोजनी लायक आउटफिट पहना है। मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखो मेरा आउटफिट, पजामा पहना है, क्रॉप टॉप पहना है और बाहर से मैंने शर्ट डाल दी है, लंबी सी बड़ी सी दादा वाली, क्योंकि टैनिंग नहीं होनी चाहिए अपने को, इसलिए मैंने शर्ट डाल दी है। तो बस अब ये लोग आने वाले, इन्होंने बोला था 9 बजे निकलेंगे बट अभी 11 बज चुके हैं, कोई भी नहीं आया अभी तक। बोले भाई मैं 7 बजे से उठी भी हूँ, पर क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं इनका, फिर मिलते हैं। तो भाई दोस्तों हम पहुंच गए हैं सरोजनी नगर मार्केट। मौसम तो ठीक ही है, गर्मी लगी थी, हमको लगा था धूप होगी बहुत, पर गर्मी नहीं। और आंटी भी आई है हमारे साथ ही। हेलो 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 हेलो, चलो 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 चलो। तो ये देख लो, ये सरोजनी मार्केट है, अभी हमने गाड़ी पार्क कर दिया यहाँ पे। और तुझे क्या हो गया, क्या ढूंढ रहा है? पर्ची। चलो अंदर चलते, सस्ती सस्ती शॉपिंग करते हैं। मुझे यहीं से ठेले दिखने लग गए, 100 रुपए 150 रुपए वाले, 200 रुपए की टी शर्ट, 250 रुपए की टी शर्ट। पहली बार आऊंगा मैं, आज तक नहीं आया। तू पहली बार ही आया है? फर्स्ट टाइम। और मैं पता नहीं कितने दिन बाद आई हूँ, पर आज भीड़ नहीं, आज मंडे है ना, भीड़ कम है आज। देखो बचपन से दिल्ली रहता हूँ, पहली बार ही आया हूँ। और क्या, सस्ते कपड़े नहीं खरीदता ना? बिल्कुल ब्रांडेड खरीदता होगा, जैसे 200 की टी शर्ट यहाँ से नहीं लेता भाई। पहला टॉप दिख गया 80 रुपए की टी शर्ट है, मतलब टॉप पहली चीज ले ली 80 रुपए की, अच्छी लग रही है। अब 250 की ड्रेस है, ये देखो ये देखो, इतना सारा सामान है, समझ ही नहीं आ रहा क्या खरीदना चाहिए। और भीड़ बिल्कुल नहीं है, सबसे अच्छी बात है ना, बोलो। बहुत भीड़ है, गर्मी बहुत है, गर्मी लगने लग गई है, धूप नहीं है, अच्छा धूप नहीं है। इयररिंग्स लगी है 30 रुपए की, चलो 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 30 रुपए की इयररिंग। देर से कह रही थी धूप नहीं है धूप नहीं है, धूप आ गई। धूप क्या, पसीना बह रहा है इतना ज्यादा। हाँ गर्मी तो बहुत हो गई, यहाँ तो सांस लेने की जगह नहीं है। देखो यहाँ पर बस हमको लोगों के पसीनों की बदबू आ रही है और कुछ नहीं आ रहा भाई। ले लिया थोड़ा थोड़ा करके, कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हैं, सस्ता। अब आए हैं तो पैसे तो वसूल लेंगे कुछ आने के। जबरदस्ती लिया गाइस जी हमने, जबरदस्ती कहीं नहीं लाए, जबरदस्ती लिया है मैंने। अच्छा नहीं कट सही तो जाएंगे नहीं, वही लेकर ही जाएंगे, बार्गेनिंग करवा रहे मस्त मस्त। अरे ये तो वो वाली ड्रेस है जो मैंने जारा वारा में भी लगी रहती है, बरसात में पहनने वाली। चली दीदी को एक ड्रेस पसंद आया, चिकन का कपड़ा था यार, वीगन क्लोथ्स पहने गए हम। अब थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई है, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि भीड़ नहीं है, गर्मी नहीं है, धूप भी आ गई, भीड़ भी हो गई। तेरे काली जमा, तू अपनी जमान दिखाई हो, डिफरेंस बता दो दोस्तों किसकी काली है। गाइस हम यहाँ पे बार बार खो जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ भीड़ होने लग गई। और अभी हमें हमारी सब्सक्राइबर्स में मिले थे कुछ, उन्होंने फोटो खिंचाई हमारे साथ, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ सरोजनी में क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई मेरा फोन चोरी ना कर दे, फिर वो ब्लॉग कंटिन्यू करेगा पता लग रहा है। तो हम ड्रेसेस वाली लाइन में जाएंगे अब ड्रेसेस खरीदने, क्योंकि दोस्तों हम जाने वाले हैं कहीं घूमने बढ़िया सी जगह, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में रिवील करूंगी। चलो हम ड्रेसेस वाली लाइन में जा रहे हैं भाई। नेकलेस को नेम प्लेस, नेम प्लेस। एक भैया आए मेरे पास, मैडम मैडम टैटू करवा लो, उनके नाम का टैटू करवा लो। मैंने कहा उनका तो कोई है ही नहीं, दिख तो रहा है भैया, अपने आप को ही तो दिखाना है। काफी कुछ ले लिया बट काफी कुछ नहीं मिला, तो बस अब जा रहे हैं हम घर, यहाँ से फ्री होकर कभी कवर देख रहे हैं भाई। अब हम विदा कर रहे हैं सरोजनी मार्केट को, बाय बाय बोलते हैं, अब चलते हैं बाहर वापस, पहले कुछ खाएंगे। ओह माय गॉड, वेरी हैवी मशीन, वेयर क्या तूने क्या लिया? कुछ नहीं यार, फालतू में ले लिया, बात ऐसी की आए हैं तो कुछ तो ले लूं, कुछ ले लिया, कुछ पसंद ही नहीं आया। मैंने तो ली है 2-3 चीजें, 2-3-4 चप्पलें भी हैं आगे सामान में, बिल्कुल भी पुराना होता है ना यहाँ का माल, हाँ ढूंढना पड़ता है यहाँ पे, लोग खरीदने आते हैं पर ऐसा बोलते हैं, पर ढूंढना पड़ता है, छाटना पड़ता है, नॉट ढूंढना, छाटना कहते हैं, ढूंढना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो कपड़े ही हैं। तुमने पूरा बैग भर लिया है यार। हैं ओए यार, एक रील बनानी थी मेरे को, एक जगह पे ना एक कोट लेना था मेरे को, ठीक है ट्रेंच, तो उन्होंने बोला कितने का बोला था, 900 का बोला, ठीक है, तो मैंने बोला नहीं,
तो कहते 500, मैंने बोला नहीं, तो कह रहे कितना, मैंने कहा 200, और मैं चलने लग गई। फिर आवाज आई पीछे से, अरे ले जाओ मैडम 200 में ले जाओ, तो मैंने 200 में ले लिया। घूमने के बाद अब हम कुछ चल रहे हैं, पहले हमने राजमा चावल खा लिए जो कि सही थे, चटपटा नहीं है खाना, है खाने चल रहे हैं, बोला मैं जैसे पेट भर रहे हैं, भर रहे हैं, छोले भटूरे भी आ गए। और बेचारी मेरी मम्मी कुछ खा नहीं पा रही क्योंकि उनका फास्ट, आंटी का फास्ट है, आंटी अपना खाना खुद लाई है, स्वादिष्ट खाना है। और इनको देखो कैसे तो दोस्तों हम सरोजनी से काफी देर पहले आ गए थे, पर मैं ना काम करने लग गई थी, घर आते मैं काम पे लग गई और अभी भी मेरा काम पूरे नहीं हुए हैं, एक वीडियो और शूट करना है। पर उससे पहले मैं चाय ब्रेक लिया है और दूध खत्म हो गया, तो पहले मैं जा रही हूँ नीचे शॉप में दूध लेने, उसके बाद हम पियेंगे चाय। बाकी मैं कह रही थी आज हम सरोजनी गए थे क्योंकि मैं जाने वाली हूँ घूमने, कहीं बढ़िया सी जगह जा रही हूँ मैं। पर उससे पहले मैं जा रही हूँ अपने घर कुछ दिनों के लिए, शायद मतलब शायद मैं घर जाऊँ पहले, अब ये नहीं पता कल जाऊंगी परसों जाऊंगी कब जाऊंगी घर, बट घूमने से पहले मैं घर जाऊंगी। पर हम घूमने जा रहे कोई मस्त सी जगह जा रहे हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा। तो उसके लिए हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग करने जाते हैं, सरोजनी देखते हैं, सरोजनी में कुछ आ रखा होगा बढ़िया बढ़िया सामान। तो उतना कुछ खास हमें मिला नहीं, वही किस्मत वाली बात होती है, सरोजनी में भी किसी के हाथ काफी अच्छा अच्छी चीजें लग जाती है, किसी के हाथ नहीं लगती। मेरे हाथ दो तीन चीजें लगी अच्छी, बट काफी चीजें नहीं मिली जो कि अब हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। फिर हम अपनी नई ट्रिप के लिए पैकिंग करना चालू करेंगे, तैयारी करना चालू करेंगे, और यहीं से जाना है, हमारी फ्लाइट है कुछ दिनों बाद, तो हम जाएंगे स्विंग करके घूमने के लिए, मजा आएगी दोस्तों। बने रहिए, फिलहाल दूध लेके आते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ रितेश के घर क्योंकि आज मेरा डिनर वही है और कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी वही है क्योंकि कल अष्टमी है ना, और मैं घर तो गई नहीं, घर जाऊंगी एक दो दिन में, नवरात्रि डिनर, हाँ कल मेरी कन्या जमाई होगी इसलिए। चलो कल इसको 20 रुपए मिल जाएंगे, मेरे को कल 20 रुपए मिलेंगे, ये कन्या ही तो हूँ मैं अभी भी। तो भाई अभी हमने मस्त खाना पीना तो खा लिया, और अभी ना हम अंकल का, अंकल की रील डाल रहे हैं, कल अष्टमी के लिए अंकल ने, मुंह से निकल गया, अष्टमी के लिए अंकल ने ना स्केच बनाया, मैं दिखाती हूँ, म्यूजिक नहीं प्ले करूंगी, और ये स्केच अंकल ने अभी एक दिन में बनाया है। तू भी नहीं आ रही, स्केच आ रहा है बस। हाँ तो स्केच ही दिखाने लायक हम थोड़ी अभी देखने लायक, स्केच में आ रहे हैं वही तो अंकल, क्या मस्त बनाया है। तू कब बना रहा है मेरे स्केच? जल्दी बनेगा, अब जल्दी बनेगा, अब छुट्टियां पड़ गई ना, जल्दी बनेगा, तीन चार महीने में एग्जाम भी थे ना। हाँ? ये तो और जनन है, तू तो पढ़ती है नहीं, जो पढ़ते उन्हें तो पढ़ने दे, अब कर सकता है ये। हाँ, अब बोलो इसको, अब हाँ, ना बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, नहीं, नहीं छुट्टियाँ पड़ गई है कॉलेज के, अब बन जाएगा, अब तेरे वो 2025 के बर्थडे से पहले पहले बन जाएगा, ठीक है, एक साल और 2025 के बर्थडे से पहले। ये तो देखो क्या मस्त बनाया अंकल ने, आप लोग भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, और यूट्यूब ये वाली रील मिल जाएगी आपको, है ना, यूट्यूब में भी मिल जाएगी, संजय सोनी आर्टिस्ट, और इंस्टाग्राम पे भी संजय सोनी के नाम से आपको दिख जाएंगे, इतने मस्त मस्त आर्टवर्क्स बनाते ना अंकल, एक ये है ये बनाते ही नहीं, इसकी ड्रॉइंग इतनी अच्छी है, इतने अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, इतनी अच्छी क्या पोर्ट्रेट्स अच्छा देख लो, अब अंकल कह रहे हैं अंकल से अच्छे स्केच बनाते हैं, हाँ, 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 हाँ। तो अब तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, अब नहीं चलते मेरे 8 ढंग से, तो चलाने पड़ेंगे ना, देखते कौन बनाएगा, मैं बना रहा, एक नहीं बन रही 30-35 की बात कर, एक नहीं बन रही 30-35 एक साल का टाइम है, एक साल में नहीं नहीं कुछ नहीं बन रही, एक कमेंट में स्पैम कर दो नितेश सोनी का एग्जीबिशन, नहीं नहीं भाई मत करो, तुम पीछे पड़ दो फिर मेरे, कि हमने कमेंट कर दिया, मत करो कोई कमेंट नहीं करती, और हम सबको इनवाइट करेंगे एग्जीबिशन में। चलो भाई मैं ऐसे चले आता हूँ, यहाँ पे ना जरा माहौल खराब हो रहा है, चलो भाई। दोस्तों तो मैं ऊपर से दिखाती कि मैंने क्या क्या खरीदा सरोजनी से, क्या क्या हो गया आपको, एकदम से गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं जा रही हूँ, अंजलि दीदी को कुछ नहीं मिलाना सरोजनी में इसलिए। जब मैं घूमने जाऊंगी ना तब पहनूंगी, तब दिखाऊंगी तुम लोग को, ठीक है। एक मैंने ये ड्रेस ली 250 की, ये ड्रेस ली 250 की, ये लिया 80 रुपए का, और ये कुर्ती ली 150 की, बट ऊपर से दिखा रही हूँ, पहन के मैं तुम लोगों को ट्रिप में दिखाऊंगी, ठीक है, ठीक है अंजलि दीदी। और मैंने जॉगर भी ली थी एक व्हाइट कलर की, ये जॉगर ली है व्हाइट कलर की, बाकी मेरे को तो मस्त मस्त सामान मिला, अंजलि दीदी ने कुछ नहीं लिया, जॉगर छोड़ के मोटी हो गई ना, नहीं हो आप मोटी नहीं हो, बोल दिया आपको मोटी, कहा इतनी स्लिम ट्रिम लग रहे हो, मजाक उड़ा रही है।
नहीं, अरे यार नहीं उड़ा रही है मजा। बताओ, कोई पतलेपन से परेशान है, कोई मोटापे से परेशान है, सब परेशानी परेशान है। अपने में खुश रहना सीखो, जैसे हो वैसे ही खुश रहना सीखो। बताओ अंजलि दीदी ने जिम जाना बंद करा, हम सब दोनों ने भी जिम जाना बंद कर दिया। मेरे बिना तुम्हारा मन ही कहाँ लगता है। सही बात है, डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, गुड नाइट, सो जाओ, बाय। अंजलि दीदी के दिल पे कुछ ज्यादा लगे, मेरी ड्रेस पकड़ के, नाई की नई ड्रेस पकड़ के एक्सरसाइज करने लगी है। हो गया बस, आज के लिए इतना काफी है। अभी आपका फैट देखना सुबह तक कम हो जाएगा। ऐसा कोई इलाज बताओ दोस्तों कि मैं कुछ खाऊं या कुछ पीऊं और मेरा वजन एक दिन में कम हो जाए यार, तो हमेशा के लिए बीमारी कर देगा ना। ओह माय गॉड, सो थॉट। दोस्तों बता देना ठीक है ना, कोई तरह का या दोस्तों। अभी अष्टमी की तैयारी हो रही है, मतलब हो गई है, सब पैकिंग हो गई है। अभी हम बांटने जाएंगे अंकल आंटी जी, और आंटी जी की पूजा कर रही है। जय माता दी। ये बच्चे कुछ नोट पत्र ले जाइयो अपने साथ, सारे रख दियो इसमें। और मेरी कंजी का लेके जाइयो 2000 रुपए, कहीं चोरी वोरी कर ले। मुझे तो 2000 बड़ा देता है ना, छोटे को छोटे भी देगी। अरे तो उनमें से एक डब्बा ले लियो अपनी कलर चॉइस का। आप समझे 2000 रुपए चाहिए। प्रसाद भी बांट लिया है और अब हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, अब हम अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। और अंजलि जी ने चाय गिरा दी, देखो कितनी गिराई है। चलो भाई अब चाय पियेंगे, खाना खाएंगे मस्त। अब मैं नितेश सोनी को दिखाती हूँ ये क्या कर रहा है। ये एडिट कर रहा है आज का व्लॉग, एडिट हो रहा है व्लॉग अभी आज का, सरोजनी मार्केट वाला व्लॉग एडिट हो रहा है। कोई बात नहीं, बंद हुआ मजदूरी है, कुछ नहीं, रिश्ता मत कर, गेट आउट। तो चलिए चलते हैं किचन में, आ गए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। और बाकी मैं कह रही थी कि कल शायद मैं घर चले जाऊँ, तो आप घर वाले ब्लॉग आएंगे कुछ दिन, उसके बाद मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ ट्रिप में, ठीक है। और हाँ, मेरे को एक और बात बताना, मैंने पहले भी बोला था कि किसी डांस स्टूडियो के बारे में नोएडा में बताना मेरे को, या फिर कोई डांस कोरियोग्राफर या फिर जिसके साथ मैं कोलैब कर सकूँ, जो नोएडा या दिल्ली में रहते हो उनके बारे में मेरे को जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कुछ चर्चा कर रही है मेरे बगल में, ब्लॉग एंड कर रही हूँ मैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक दिन छोड़ के ठीक 2 बजे मेरा ब्लॉग आता है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले चला, बाय बाय, लव यू, बाय, टेक केयर।